हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग। सो बिफोर इनिशिएटिंग दिस लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माय दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट ए वेरी नोवल टॉपिक विच इज़ ए स्कॉलरशिप। सो किस पर्सन को स्कॉलरशिप लेना है, आफ्टर बी फॉर्म, आफ्टर एम फॉर्म, आफ्टर PhD, एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दी पोस्ट डॉक। तो आज मैं दोस्तों आपके साथ बात करने जा रहा हूँ विच इज़ ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्टडी देन देर इज़ ए नीड ऑफ स्कॉलरशिप। तो इंडिया में कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं एंड वट आर द अदर स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल ग्लोबली इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन और इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी फार्मास्यूटिकल कोर्स इन द फॉरन कंट्रीज। तो जैसे आपको पता होगा कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे आफ्टर एम फॉर्म दे आर विलिंग टू डू PhD इन सम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA, लाइक दैट। सो टूडे द टॉपिक अबाउट विच आई विल डिस्कस विद यू इज ए स्कॉलरशिप एंड फंडिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल साइंसिस स्टूडेंट्स। सो डेयर फ्रेंड्स, लेट्स वी विल मूव फर्दर। द फर्स्ट स्कॉलरशिप विच इज अवेलेबल फॉर द एम फॉर्म स्टूडेंट इज ए GPAT स्कॉलरशिप। दिस इज ए ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट और अदरवाइज यू कैन से यू कैन क्वालिफाई नेट आल्सो। सो दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई दिस GPAT टेस्ट एंड दे कैन टेक एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूट्स वेयर देर इज़ ए अवेलेबिलिटी ऑफ GPAT स्कॉलरशिप। सो डेयर फ्रेंड्स, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप फॉर योर PG कोर्स, दैट इज़ फॉर योर एम फॉर्म। आइदर यू आर डूइंग योर PG कोर्स इन फार्माकोलॉजी, इन फार्माकेमिस्ट्री, इन फार्मास्यूटिक्स और इन एनी अदर ब्रांच। सो दैट मीन दिस इज़ ए वेरी यूजफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। द सेकेंड इज़ कॉल्ड एज ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये भी नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड करते हैं। नो आई विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड और आई विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट दिस कि हमें DST में कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, DST किस किस टाइप का स्कॉलरशिप देता है और उस स्कॉलरशिप को आप अपना PhD में जहां आप पोस्ट डॉक में कैसे यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट देर इज ए ट्रेवल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी ट्राइब्स के लोग, लो इनकम के लोग, वो लोग जिनका इनकम जो है दैट इज़ बिलो देन 1 लाख और बिलो देन 2 लाख, लाइकली दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट दे कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ द स्कॉलरशिप। Then there is a Indian Council of Medical Research. This is an another agency. इसमें भी बहुत से student जो हैं वो MPhorm में, PhD में और postdoc में अपना scholarship ले सकते हैं, apply कर सकते हैं, because there is availability of number of type of scholarship. So this is again a good option for you all the pharmaceutical students. Next is a Council of Science and Industrial Research. तो ये जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो भी स्टूडेंट साइंस में और इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देन देर इज़ ए स्कॉलरशिप विच विल बी प्रोवाइडेड बाय CSIR और आइदर यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट विच विल बी इन कोलेबोरेशन विद द इंडस्ट्री। तो कोई भी अकेडमिया का स्टूडेंट और एनी PhD यू कैन से टीचर कैन कोलेबोरेट विद द इंडस्ट्री एंड देन दीज ऑल ICMR एंड CSIR प्रोवाइड द स्कॉलरशिप्स। अनदर इज ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो DRDO विच ऑल्सो प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप। विच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप दे प्रोवाइड, किस किस टाइप का ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, आई विल डिस्कस विद यू। नेक्स्ट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशनशिप स्कॉलरशिप स्कीम। सो आयुष भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है फॉर द स्टूडेंट जो MPhorm PhD में हर्बल ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज नाउ द टाइम दैट मैनी ऑफ द साइंटिस्ट और मैनी ऑफ द रिसर्चर्स दे आर वर्किंग ऑन द हर्बल ड्रग्स।
Next is biotechnology industrial research assistance, that is a BIRAC. So BIRAC is also a novel opportunity for the students of MPhom, PhD and postdoc, that you can get your scholarship from these areas. So dear friends, I will firstly discuss about the scholarships which are available for the minority students. So minority candidates, वो बच्चे जिनके पास income source नहीं है, जहाँ जो income source है which is below than the limit, 1 लाख या 2.5-2 लाख से नीचे है, तो आप उसमें scholarship apply कर सकते हैं. That is the scholarship annual award for the national minority which is 25,000. तो ये एनुअली 25,000 हर बच्चे को मिलता है. किस बच्चे को मिल सकता है? जिनका बजट जो है इनकम का बिलो देन 2.5 लाख है, और इट कैन बी अडॉप्टेड बाय दी दो स्टूडेंट हुज पेरेंट्स दे आर गेटिंग टोटल एनुअल इनकम बिलो देन 1 लाख आल्सो. नेक्स्ट आ जाता है, देन देर इज ए पीजी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द रैंक होल्डर. दोज कैंडिडेट जो अपना एम फॉर्म में फर्स्ट रैंक पे आते हैं, उनके लिए देर इज ए सेपरेट स्कॉलरशिप. वहाँ पे जो लोकल यूनिवर्सिटी है, दे कैन प्रोवाइड द स्कॉलरशिप. अदरवाइज इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. Next is a low income annually. They are divided into two categories. That means the first category where the income is of the parents is below than 2.5 lakh, और दूसरा category उसमें आ जाता है जिनका income 1 लाख से नीचे है, वो भी apply कर सकते हैं. Then there is a scholarship for the Sikh minority. तो जो Sikh minority में लोग हैं जिनके बच्चे B-form, M-form, PhD करना चाहते हैं, they can get, basically this is more useful for the B-form and M-form. In this case आपको 30,000 per semester that will be given by the government of India. तो जो आपका फी स्ट्रक्चर होगा उसमें से 30,000 पर सेमेस्टर, इट मीन एनुअली दे विल प्रोवाइड यू 60,000. आफ्टर दैन देर इज ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स विच इज़ ए 40,000 पर सेमेस्टर. सो इट इज़ नियरली अबाउट 40,000. सो दिस विल आल्सो बी यूजफुल जो डिग्री करते हैं, 4 साल बी फॉर्म कोर्स है, और आइदर इट कैन बी यूजफुल फॉर एम फॉर्म, बट इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द बी फॉर्म स्टूडेंट, दैट इज़ 40,000 पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर बी आर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप. सो अदर इज़ ए पी जी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर ए सिंगल गर्ल चाइल्ड. तो कई बार आपने सुना होगा कि कई बार माँ बाप का एक ही बच्चा होता है जिसमें एक गर्ल होती है, फीमेल होती है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस, इफ़ यू आर ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, देन देर इज ए सेपरेट स्कॉलरशिप विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो मैंने डेयर आपको यहाँ पर बताया, ये सभी की सभी स्कॉलरशिप हैं. मोस्टली दे आर यूजफुल फॉर द बी फॉर्म स्टूडेंट्स और they are useful for the M-form students. So nextly I am going about the scholarship for the PhD candidates. अगर आप PhD करना चाहते हैं, so PhD के लिए आपको पहले तो register करना पड़ता है. You should be registered from any university. और registration के लिए आपका क्या रहता है? Either you should be GPAT qualified, आपका score card valid होना चाहिए. You should be NET qualified. You should be UGC qualified. और fourth criteria आ जाता है, if your particular PhD is funded by any government agency. अगर आपने CSIR, ICMR, DST से कोई particular fellowship लिया है, then you will be exempted for the test in particular university of the state. तो ये वहाँ पर criteria रहता है. First आ जाता है Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises. This is the MSME, the branch of ministry which provide the fund either to PG or either to PhD candidate.
किसको, जिसके पास एक नोबल आइडिया है। अगर आपके पास एक नोबल आइडिया है जिसका कि मार्केट में एप्लीकेशन होगा, सपोज अगर आइडिया है जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, सपोज ऐसा आइडिया है विच इज़ अवेलेबल फॉर द वाटर प्योरीफिकेशन टू दोज पॉपुलेशन हु आर हैविंग ए लो इनकम, तो अगर ऐसे आइडिया आपके पास हैं जहाँ कोई और अच्छा आइडिया आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर, यू कैन से फंडिंग। सो दिस फंड विल बी प्रोवाइडेड टू दैट कैंडिडेट ओनली। नेक्स्ट UGC स्कॉलरशिप, दैट इज फॉर द SC एंड ST स्टूडेंट। तो डियर फ्रेंड, UGC का एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट होता है, दैट इज कंडक्टेड बाई UGC फॉर द PhD कैंडिडेट्स। इवन दो UGC प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द SC एंड ST कैंडिडेट दोज हु आर डूइंग M.Phom, तो आप M.Phom में और PhD में UGC स्कॉलरशिप का, अदरवाइज UGC आल्सो कंडक्ट ए टेस्ट एनुअली, तो इसका हर साल एक टेस्ट होता है। इफ यू आर M.Phom यू कैन क्वालिफाई द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट यू विल कैन बी एनरोल फॉर द PhD पर्टिकुलर एडमिशन। सो AICT स्कॉलरशिप, प्रगति स्कॉलरशिप फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है विच इज अंडर द AICT, दिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल द students who are doing the technical courses, but more preference is given to the girl student. तो अगर female हैं वो अपना scholarship लेना चाहते हैं for doing M.Phom, for doing PhD, तो that course should be related to the technical department. तो आप इस scholarship को आप adopt कर सकते हैं। Next is a Saksham scholarship scheme for specially abled students. तो डियर फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि देयर आर सम पर्संस, आइदर दे आर हैंडीकैप और आइदर दे आर हैविंग ए अदर डिसेबिलिटीज़। तो अगर आप किसी डिसेबिलिटी से, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, लेग में प्रॉब्लम है, बट दैट शुड बी 40% नियरली। अगर आपका डिसेबिलिटी जो है वो 40% है या मोर देन दैट है, देन ईजिली यू कैन अडॉप्ट दिस स्कॉलरशिप, आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। अदर क्राइटीरिया आ जाता है, इफ यू आर बिलो 40% यू आर डिसेबल बट यूर इनकम सोर्स इज लो देन 8 लाख, आपके पेरेंट्स का इनकम जो है 8 लाख से नीचे एनुअली, और आपका जो डिसेबिलिटी रेट है विच इज नॉट 40, दैट इज अराउंड 30 and 35%, तो आप सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वनाथ स्कॉलरशिप, दिस इज फॉर द ऑर्फन स्टूडेंट। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड टाइम पे कईयों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, बट दो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, दे वर डूइंग सम कोर्सेज, कुछ M.Phom कर रहे थे, कुछ PhD कर रहे थे, जहाँ कोई और टेक्निकल कोर्स कर रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे थे तो ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए स्वनाथ स्कॉलरशिप जो है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इस स्कॉलरशिप को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्टडी। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर द टेस्ट स्कोर। तो अगर कोई भी और आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर है, आपने कोई भी टेस्ट दिया है विच इज़ रिलेटेड टू UGC, विच इज़ रिलेटेड टू एनी अदर पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी, देन यू कैन अडॉप्ट दी दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। नो आई एम गोइंग टू फर्दर डिस्कस दैट व्हाट अदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप और स्टूडेंट किस किस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने बिकॉज इट कैन प्रोवाइड यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप M.Phom कर रहे हैं, जहां आप PhD करना चाहते हैं, और आइदर यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, सो दिस इज ए जूनियर सर्च फेलोशिप विच इज बाय द CSIR UGC। सो दिस जूनियर स्कॉलरशिप विच दिस इज द फंडिंग विच इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 28,000 इन प्लस 5,000 डिपेंडिंग अपॉन द HRA लिमिट ऑफ यूर पर्टिकुलर एरिया, कि आपको HRA कितना मिलता है। तो ये नियरली आपका 34,000-35,000 के आसपास पर मंथ बैठता है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय CSIR, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ICMR, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय DST एंड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय DBT। तो ये आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। अब जूनियर स्कॉलरशिप आपको लेना कैसे है? सो देयर आर टू मेथड, आइदर यू आर गोइंग
वॉन्ट टू डू PhD अंडर एनी गाइड हु इज हैविंग ए प्रोजेक्ट, तो उसके पास पहले से प्रोजेक्ट है और उसका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है फॉर दी फंडिंग, तो आप उसमें GRF इन्वॉल्व हो सकते हैं। और सेकंड मेथड जो रहता है कि आप किसी भी गाइड के अंदर एक प्रोजेक्ट लिखें विच विल बी ए नोबल एंड विच विल बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, उस प्रोजेक्ट को आप जब ये यूनियर रिसर्च फेलोशिप ओपन होता है फॉर DST DBT ICMR उसमें आप अप्लाई करें, देन यू कैन बी इफ यू आर सिलेक्टेड देन यू कैन अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। इसका आपको बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आप GPAT क्वालिफाई नहीं भी हैं और आप PhD के लिए रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर दैट। नेक्स्ट इज ए वुमेन साइंटिस्ट स्कॉलरशिप, तो इसमें दो तरह की स्कीम आ जाती हैं, वॉस ए एंड वॉस बी। सो बेसिकली बोथ इन बोथ द केसेस द वुमेन्स आर सिलेक्टेड। आपको एक चीज़ इसमें बता दूं कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने MPhil की है दे वांट टू डू PhD बट उनका स्टडी गैप है, तो स्टडी गैप है आइदर गैप वाज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और आइदर गैप वाज ड्यू टू सम अदर रिसोर्सेज प्रॉब्लम, तो वुमेन्स ए बी स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट लिख सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को थ्रू एनी गाइड थ्रू एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आप उस प्रोजेक्ट को यू कैन सेंड टू पर्टिकुलर DST डिपार्टमेंट और DST में अगर आपका प्रोटोकॉल जो प्रोजेक्ट है आफ्टर एनालिसिस अप्रूव हो जाता है देन यू कैन गेट ए बेटर स्कॉलरशिप विच इज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 पर मंथ। सो डियर फ्रेंड दिस स्कीम इज वेरी यूजफुल फॉर द वुमेन्स हु वॉन्ट टू डू PhD। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट्स लाइक NIPR और सम अदर इंस्टीट्यूट्स दे इट्सेल्फ दे कंडक्ट सम टेस्ट और दे प्रोवाइड द फंडिंग टू द स्टूडेंट, तो अगर आप ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट देते हैं जो भी जब ओपन होता है नियरली इट कुड बी ओपन नियरली अप्रैल मई जून लाइक दैट, तो उस ईयर में जब इस मंथ में ओपन होगा तो आप उसमें अप्लाई करें देन यू डू पर्टिकुलर टेस्ट इफ इट इज क्लियर्ड देन यू विल बी प्रोवाइडेड बाय द पर्टिकुलर फंड। सो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, वट आर द अदर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, तो डियर फ्रेंड फर्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें आप USA में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में उनका अपना गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप रहता है विच इज़ अप टू ए लिमिट, सम प्रोवाइड 40% सम प्रोवाइड 60% टू द इंडियन स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंडिया में हैं या आप कहीं और हो बट यू वांट टू डू PhD इन अब्रॉड तो आप यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर द PhD और अदर पोस्ट हो। Then there is a International Brain Research Organization, IBRO. So IBRO provide a lot of fund, but what is the need that you should have one project? तो आप इसमें एक project design करें, उसका proper designing हो, क्या aim है, क्या objective है, क्या आपका hypothesis है, कैसे project को आप run करना चाहते हो, that should send to this particular IBRO agency, they will provide you fund. Even though IBRO provide a short term stay courses, किसी lab में आप 6 months के लिए 3 months के लिए रिसर्च के लिए स्किल यू वांट टू डेवलप योर स्किल यू वांट टू इंप्रूव योर स्किल तो आप IBRO को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यू सर्च ऑन गूगल IBRO फंडिंग और IBRO स्कॉलरशिप्स देन इट विल बी इजिली अवेलेबल टू यू। मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी, सो दिस इज अनदर सोसाइटी विच प्रोवाइड ए फंड बोथ IBRO एज वेल एज MDS और एज वेल एज दिस सोसाइटी ऑफ न्यूरोसाइंस यूरोपियन बिहेवियर फार्माकोलॉजी सोसाइटी एंड ऑल दी सोसाइटी दे प्रोवाइड द ग्रांट फॉर द स्टूडेंट लॉन्ग टर्म स्टे इन एनी ऑफ द इंटरनेशनल लैब शॉर्ट टर्म स्टे और इफ़ यू वांट टू विजिट टू अटेंड एनी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस और ए वर्कशॉप, तो ये हर साल आपको फंडिंग देती हैं। इन फंडिंग को IBRO को MDS को SFN को और EBPS को यू कैन यूटिलाइज।
other than mock research scholarship program, which is also for the if you want to do your PhD in the foreign country, clinical pharmacy post PharmD fellowship. This is for the PharmD students. Suppose if PharmD student, they want to do PhD or they want to do any other higher educations. So because in PharmD it is available as such, or either you can qualify GRE, TOEFL like that. आप उसको भी क्वालिफाई करें, then you can get scholarship. R&D system scholarship USA. तो dear friends, USA itself provide research and development scholarship to the student. This is provided by the industry area in the USA. If you are having any novel idea that you want to develop into any applications, तो आप इसमें भी scholarship apply कर सकते हैं. Then there is a project selection as PhD or a postdoc. Other method, आप यू आर एम फॉर्म, अगर आप फॉरन में पी एच डी करना चाहते हैं, आइदर यू आर पी एच डी या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वेयर यू विल अप्लाई थ्रू एनी पर्टिकुलर प्रोफेसर देयर. यू कॉन्टैक्ट हिम एंड यू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी स्कॉलरशिप देयर और एनी यू कैन से फंडिंग प्रोजेक्ट देयर, और यू कैन टॉक डायरेक्टली टू हिम दैट यू आर हैविंग ए प्रोजेक्ट एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई द प्रोजेक्ट देयर. तो डेयर फ्रेंड, जिसमें आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पर इंटरनेशनल फंडिंग ले सकते हैं. बट आपको करना क्या होगा, आपको पहले प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होगा, डिज़ाइन करने के बाद आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट शेयर करना होगा. बिकॉज सिमिलर लाइक दैट, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक डैड स्कॉलरशिप आती है विच इज़ गिवन बाय दी जर्मनी. तो अगर आप देखें तो इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था उसमें भी ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, और आने वाले लेक्चर में मैं और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा. तो ये जो डैड स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द स्कॉलरशिप गिवन बाय द जर्मनी टू द स्टूडेंट हु वांट टू डू पोस्ट डॉक, हु वांट टू डू पीएचडी. तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये सारा बताया, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर हायर स्टडीज़. तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. सो यू ऑल आर वेलकम, यू गिव योर कमेंट. थैंक यू वेरी मच.